ऐसे शिव मंदिर के बारे में सुना है जो दिन में दो बार समुद्र के पानी में डूब जाता है और थोड़े ही समय बाद फिर से बाहर आ जाता है। इस मंदिर की इसी खूबी के कारण दुनिया भर से भगवान शिव के भक्त यहाँ पे आते हैं। शिव भगवान के भक्त इसी घटना को देखने के लिए यहाँ दौड़े चले आते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि ये मंदिर कहाँ पे स्थित है, यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है और साथ ही में बात करेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ इस चमत्कारी शिव मंदिर पे। तो दोस्तों दिन में दो बार समुद्र में डूब जाने वाले इस मंदिर का नाम है स्तंभेश्वर महादेव। गुजरात के भरूच जिले के जंबूसर तहसील में आने वाले गांव कवि कंभोई में स्थित है और इसी स्थल पे महिसागर नदी समुद्र में जाके मिलती है और इसी संगम के स्थान पे श्री स्तंभेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। यह मंदिर वडोदरा से 75 किलोमीटर दूर है और इसका नजदीकी एयरपोर्ट भी वडोदरा का ही है। हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुकी हूँ श्री स्तंभेश्वर महादेव के मंदिर में और हम लोग पहुँचे थे यहाँ पे 1 से 2 बजे के बीच में और मैं आपको समय भी बताऊंगी आपको कब इस मंदिर पे आना है ताकि आप दर्शन कर पाओ। और यहाँ पे समुद्र भगवान शिव जी के चरण स्पर्श करते हैं, वो भी दिन में 2 बार, और यहाँ पे स्थित शिवलिंग को पानी में जलमग्न कर देते हैं। मंदिर में जाते ही यहाँ पे भगवान नंदी विराजमान है और उनके सामने श्री स्तंभेश्वर महादेव का शिवलिंग है। अब मंदिर में प्रवेश करते ही आप देख रहे हो श्री स्तंभेश्वर महादेव सामने विराजमान है। और अब शिवलिंग की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 4 फीट है और चौड़ाई 2 फीट है। दोस्तों जो आपने मंदिर देखा वो पूरा का पूरा मंदिर पानी से भर जाएगा कुछ ही घंटों बाद और समुद्र देवता खुद यहाँ पे आके भगवान शिव जी के चरण स्पर्श करेंगे। तो दोस्तों शिवलिंग को पानी में जलमग्न होते हुए भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी, तो वीडियो में आगे तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं मंदिर के रहस्य की। मंदिर का इस तरीके से डूब जाना कोई चमत्कार नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक घटना का परिणाम है। यह सब समुद्र में आने वाले हाई टाइड एंड लो टाइड की वजह से होता है। इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी कथा स्कंद पुराण में भी मिलती है। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय भगवान ने किया था। कथा के अनुसार ताड़कासुर राक्षस ने कठोर तपस्या करके शिव जी से ये वरदान प्राप्त किया था कि उनकी मृत्यु तभी संभव है जब भगवान शिव जी के पुत्र उसकी हत्या करे। वरदान को मिलते ही ताड़कासुर ने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया था और इससे पूरी पृथ्वी त्राहिमाम हो गई थी। इसके बाद भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने बाल रूप में ही ताड़कासुर का वध किया। ताड़कासुर का वध करने के बाद जब कार्तिकेय को पता चला कि ताड़कासुर शिव जी का परम भक्त था तो वो व्यथित हो गए। तब देवताओं के मार्गदर्शन पर जिस जगह पर ताड़कासुर का वध किया था उसी जगह पे विश्वानंद स्तंभ की स्थापना की और स्तंभेश्वर लिंग की भी स्थापना उसी जगह पे की। दोस्तों जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। बाहर कुंड बना रखे हैं 2 जिसमें से पानी मंदिर के अंदर तक जाता है और इस तरीके से ये देख लीजिए पानी अंदर आ चुका है, मंदिर में भर चुका है पानी। और जैसा कि आप देख सकते हैं शिवलिंग का ऊपर का हिस्सा ही दिख रहा है, बाकी पूरा शिवलिंग पानी में जलमग्न हो चुका है। जैसे ही पानी का लेवल बढ़ेगा जितने भी आप पिलर्स देख रहे हो सारे पानी में डूब जाते हैं। और यहाँ पे महाशिवरात्रि और श्रावण मास में मेला लगता है जिसमें बहुत सारे भक्तजन आते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं किस समय पे आपको यहाँ जाना है ताकि आप भगवान के दर्शन कर पाओ। तो आप सुबह सुबह यहाँ पहुँच जाइए 8 से 9 बजे के बीच, तब आप भगवान के दर्शन कर पाओगे। सुबह 10 से 11 या 12 बजे के आसपास पानी आ जाता है, फिर डायरेक्टली रात को आपके दर्शन हो पाएंगे 7 या 8 बजे के बाद। तो दोस्तों अगर आपको भगवान शिव जी के दर्शन करने हैं तो आपको सुबह सुबह यहाँ पे आना होगा और वडोदरा से ये जस्ट 75 किलोमीटर दूर है तो आप कहीं से भी आ जाइए, रास्ता अच्छा है। जंबूसर के आसपास थोड़ा सा रास्ता आपको खराब मिलेगा, बाकी रास्ता अच्छा है। अभी आप देख रहे हो तो पानी आ चुका है समुद्र का काफी आगे तक और मंदिर में अब एंट्री नहीं है। यहाँ पे टाइम मेंशन किए हुए हैं, आप पॉज करके देख लीजिए वीडियो किस समय पे आना है। और यहाँ पे अगर बात कर ले खाने पीने की चीजों की तो यहाँ पे छोटा बहुत नाश्ता आपको मिल जाएगा, जैसे मकई, मैगी, नींबू पानी वगैरह छोटा मोटा मिल जाएगा। आसपास का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, आप फोटोशूट भी कर सकते हो, आपको मछुआरों की 1-2 नाव भी दिख जाएगी, उसके साथ भी आप फोटोशूट कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो।
बात कर लेते हैं समुद्र के सतह की, तो यहाँ पे ना बिल्कुल चिकनी सी काली मिट्टी है। यहाँ पे आपको रेती नहीं मिलेगी, बहुत ही चिकनी काली मिट्टी है यहाँ पे, और बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे हॉर्स राइड भी होती है और छोटे मोटे आपको गेम्स भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए बाय बाय।